हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो क्या रोमन रेंस के एज चैंपियन सिर्फ दो मैचेस बचे हैं? ऐसे मेरा कहना नहीं है, ऐसे पूरी बैटिंग ऑर्ड्स का कहना है, यानी कि हम सबका कहना है। एंड उसको डिस्कस करते हैं, क्या कुछ चीज़ें हुई उसको डिस्कस करते हैं। एंड ऑल्सो ब्रे वाइट ने अपनी फिंगर को कर लिया है ब्रेक, उनका एक फिंगर जो है वो ब्रेक हो चुका है, तो उसको भी देखते हैं। एंड काफ़ी मैट रिडल भी स्पॉट हुए हैं, एंड रैंडी ऑर्टन उनके ब्रदर, उनके टैग पार्टनर भी स्पॉट हुए हैं। तो काफ़ी सारे अपडेट हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बातों को शुरू कर लेते हैं हम डोमिनिक डायजाकोविक को लेकर। डोमिनिक डायजाकोविक जो एनएक्सटी में रहते हैं, उनका भी फिंगर जो है ब्रेक हुआ है। इन्होंने यहाँ पे ट्वीट वगैरह किया है, आप देख लो इस फोटो को। डोमिनिक डायजाकोविक ने ट्वीट करके फोटो यहाँ पे पोस्ट किया है, एंड एक्सरा वगैरह के भी फोटो यहाँ पे निकल के सामने आए हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई इनका फिंगर जो है वो ब्रेक हो चुका है। एंड भाई देख के ऐसे लग रहा है ये मामूली सा फिंगर ब्रेक नहीं है, काफ़ी तगड़े तरीके से कुछ ऐसी चीज़ हुई है इनके साथ जो कि हाथ की उंगली ही साइड में हो चुकी है। तो ये कुछ भाई डोमिनिक को लेकर है। एंड वैसे में ब्रे वाइट का भी फिंगर ब्रेक हुआ है, उसको डिस्कस करते हैं जो कि अपनी नेक्स्ट स्टोरी है। बात करते हैं ब्रे वाइट की। ब्रे वाइट ने भी ट्वीट किया है, एंड जो है यहाँ पे टैग भी किया है डोमिनिक को। कहते हैं ये डोमिनिक को कि यहाँ पे भी सेम ही चल रहा है भाई, मेरा भी फिंगर ब्रेक हो चुका है, एंड ब्रे वाइट का भी फिंगर ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे फोटो वगैरह शेयर करते हैं जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। पता चल नहीं रहा है भाई क्या कुछ चल रहा है WWE के अंदर, हर एक का हर एक कहीं ना कहीं एक एक दिन जॉइंट जॉइन हो रहा है। तो डोमिनिक एंड ब्रे वाइट का भी कुछ यहाँ पे सिलसिला है, इनके दोनों के फिंगर्स ब्रेक हुए हैं, एक एक फिंगर। एंड ये ब्रे वाइट का फोटो आप देख लो। अब हम बात करते हैं मैट रिडल को लेकर। मैट रिडल का न्यू लुक भी निकल के सामने आ चुका है। अब न्यू लुक आप यहाँ पे देख लो, वो ट्वीट करते हैं, थैंक्स करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को जो उनकी नई गर्लफ्रेंड है। एंड यहाँ पे चीज़ क्या है, यहाँ पे मैट रिडल तो ऐसे ही हैं बट बियर्ड्स आई हैं उनको, दाढ़ी वगैरह निकाल लिया भाई उन्होंने। पहले शायद से होती होंगी WWE में जब थे वो नहीं थी, अब यहाँ पे इनका जो न्यू लुक निकल के सामने आया है। एंड मे भी लग रहा है कि ये न्यू लुक आगे भी बढ़ेगा जब WWE में वो आएंगे, शायद से ऐसे ही वो आएंगे, ऐसे कुछ लोगों का भी कहना है। तो ये कुछ मुझे बताना था, तो ये कुछ देख लो। हम बात करते हैं रैंडी ऑर्टन को लेकर। भाई हालत थोड़ी सी तगड़ी नहीं लग रही है, थोड़े से ओल्ड वाला लुक लग रहा है मुझे। यहाँ पे फोटो आप पहले देख लो, ये हैं अपने रैंडी ऑर्टन भाई। थोड़े से यू नो इंजरी के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन स्पॉट हुए हैं। पता नहीं कहाँ का फोटो है, काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे कि ये बैक स्टेज वाला फोटो होगा, WWE में बैक स्टेज होंगे ये, बट आई डोंट थिंक सो कि अगर बैक स्टेज होते तो हमको पता लग जाता। बट हाँ ये कुछ फोटो है, आप यहाँ पे देख लो। अब इनका रिटर्न कब होगा ये तो भाई WWE ही बता सकती है। हमने काफ़ी अपडेट बताए हैं बट वो सब अपडेट्स ट्रू नहीं थे, तो हम अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जब आएंगे तब आएंगे भाई, तब देख लेंगे हम। हम बात करते हैं रोमन रेंस को लेकर। रोमन रेंस का एक और नया रिकॉर्ड बन चुका है, एंड ये रिकॉर्ड है, अब ये जो रिकॉर्ड है ये अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मोस्ट रेसलमीनिया मेन इवेंटर का। अब रेसलमीनिया के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेन इवेंट किए हैं, काफ़ी सारे लोगों को मौका नहीं मिलता, बट रोमन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको हर वक्त मौका मिलता है। एंड इस अप्रैल में जब रेसलमीनिया हॉलीवुड ख़त्म होगा तब वो नंबर वन सुपरस्टार बन जाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा मेन इवेंट किया है रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई ये एक जो वर्ष होने वाला है आगे चल के, तो रोमन रेंस का नया रिकॉर्ड बनने वाला है। अभी तक तो बना नहीं है, बनने के कगार पे है, अगले महीने यानी सॉरी 2 महीनों के बाद बन ही जाएगा। अभी तक तो कोई पीछे सुपरस्टार लग नहीं रहा है। हम बात करते हैं आखिरी स्टोरी को लेकर जो कि है रोमन रेंस लास्ट 2 मैचेस को लेकर एज WWE एंड यूनिवर्सल चैंपियन। अब ये कहना है बेटिंग ऑड्स का, बेटिंग ऑड्स कितनी सच है हम सबको पता है भाई, जो भी चीज़ें होती है हम सब डिस्कस वगैरह करके ऑड्स जो हैं वोट करते हैं। अब वोटिंग निकल के आई है, ऑड्स का कहना ये है कि रोमन के एज चैंपियनशिप के 2 मैचेस ही बचे हैं, उसके बाद वो चैंपियनशिप को हार जाएंगे एंड WWE में शायद से मे भी ब्रेक लेंगे। अब ये मैचेस कौन से हैं भाई हम सबको पता है, एक तो सैमी जेन के साथ है एलिमिनेशन चेंबर में अगले हफ्ते, एंड उसके बाद 2 महीने बाद रेसलमेनिया के अंदर। एज ऑफ नाउ बेटिंग ऑड्स का कहना है कि यही 2 मैचेस होंगे, रोमन एज चैंपियनशिप के साथ जाएंगे, लड़ेंगे मैच को एंड हार के निकलेंगे। लोगों का कहना यह है कि जो कोडी रोड्स के अगेंस्ट मैच होने वाली है वहाँ पे रोमन चैंपियन नहीं बन पाएंगे, वो हार जाएंगे एंड कोडी रोड्स नए चैंपियन बन जाएंगे, रोमन रिटेन नहीं कर पाएंगे, ऐसे कुछ ऑड्स का कहना है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। यही कुछ आज की अपडेट वीडियो थी, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।